नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन इस बार उनका सियासी मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। शिवराज ने अपने पिछले 13 साल के कार्यकाल में बीजेपी के उदारवादी के चेहरे के रूप में पहचान बनाई थी। गोल टोपी पहनने से लेकर रमजान में इफ्तार पार्टी आयोजित करने और ईद पर मुस्लिमों को गले लगने से कभी परहेज नहीं किया, लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के राजनीतिक और सांस्कृतिक एजेंडे पर सिर्फ अमल ही नहीं किया, बल्कि खुले तौर पर आक्रामक हिंदुत्व की राह पर बढ़ते हुए दिखाई दिए। लव जिहाद कानून से लेकर गो कैबिनेट का या कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी, नेटफ्लिक्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई समेत कई घटनाएं इनमें शामिल है। तो आज शिवराज सरकार ने अपने एक साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान लगातार हिंदुत्व की राह पर बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना हो, गो कैबिनेट का विस्तार हो या कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी हो। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि शिवराज सिंह चौहान आक्रामक हिंदुत्व की राह पर बढ़ते जा रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के राजनीतिक और सांस्कृतिक एजेंडे पर सिर्फ अमल ही नहीं किया है, बल्कि खुले तौर पर आक्रामक हिंदुत्व की राह पर बढ़ते हुए भी वो दिखाई दे रहे हैं, चाहे हम बात करें लव जिहाद कानून की, गो कैबिनेट की या कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी की, या फिर बात करें नेटफ्लिक्स सीरीज अनसुटेबल बॉय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। ऐसी कई घटनाएं शामिल है जो ये बात साबित करती है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार हिंदुत्व के रुख पर बढ़ते जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वरिष्ठ पत्रकार एके मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एके जी, सबसे पहले आपका स्वागत है आर्य न्यूज पर। थैंक यू मैम जी। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल को एक साल का समय पूरा हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह लगातार हिंदुत्व की राह पर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों माना जा रहा है? क्योंकि बीजेपी को स्पेशली और भी बहुत सारी पार्टियों को ऐसा लगता है कि जीत की, पॉपुलरिटी की अगर कोई गारंटी की दयार अभी चल रही है तो वो हिंदुत्व है। हिंदुत्व अपने आप में अभी एक बड़ा मैजिकल फैक्टर जो है बन करके उभरा है अपने देश में। ये सही है या गलत है वो बात दूसरी है, उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन जहाँ उम्मीद ज्यादा होती है सक्सेस की, लोग उसी कॉन्सेप्ट को अपनाना शुरू कर देते हैं, उसके पीछे यही एक रीजन है। लव जिहाद के खिलाफ शिवराज सरकार ने कानून बनाया, तो इससे भी बात साबित होती है? नहीं, इससे बात तो ये साबित होना या न होना वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लव जिहाद पे कानून होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर जबरदस्ती किया जाए, धोखे से किया जाए, जो चीज धोखे से पहचान छुपा के की जाती है, आप बैंक से पैसा निकालिए धोखे से पहचान छुपा के, उसके लिए कानून है, हर चीज के लिए कानून है। तो एक समाज में अगर कोई ऐसी चीज है जो धोखे से छुपा करके चीजें हो रही हैं, तो उसके लिए तो सरकार चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो, कानून उनको बनाना चाहिए था। ये तो सेंट्रल पे बनना चाहिए था, सरकार किसी की भी हो, ये समाज को सुरक्षित करने का एक तरीका है। आप इसको कानून या किसी के फेवर या अगेंस्ट में करके मत देखिए। शिवराज सिंह चौहान ने गो कैबिनेट का भी गठन किया और ऐसे भी उनके कई सारे काम शामिल है। देखिए, होता क्या है, समय के हिसाब से ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, कम्युनिकेशन का जमाना है, अपने आप को अच्छा रखने के लिए, कंपटीशन में अपने आप को खड़ा करने के लिए ये जरूरी है कि बहुत सारे मॉडल जो है, जो पिछले मॉडल होते थे, वो चेंज होते चले जाएंगे और हो रहे हैं और आगे भी होगा। आज अगर किसी नेता को, किसी मुख्यमंत्री, मंत्री को, प्रधानमंत्री को लगता है या सरकारी तंत्र को लगता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए ये सिस्टम अपनाना चाहिए, तो वो अपनाएंगे उसको, और ये एक स्वागत योग्य कदम है। अगर कोई चीज परिवर्तित हो रही है, कुछ मॉडिफाई हो रही है, उसको लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हमें मौके देने चाहिए और उसके परिणाम को देखना चाहिए। परिणाम अगर सकारात्मक होगा तो सरकार और समाज उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अगर सकारात्मक नहीं होगा या बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा तो सिस्टम अपने आप उसको रिजेक्ट कर देगा। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।